सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको जो खड़ा मुख दिखाऊंगा, जो कि चंबा और भरमौर के बीच में जो एक पॉइंट आता है, बहुत ही मतलब सुंदर पॉइंट जो आता है उसमें, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ ढगोक, जो कि खड़ा मुख से पहले आता है। और ढगोक से जो हम बन्नी माता के लिए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। बन्नी माता का जो मंदिर है बहुत ही हाइट पर जाकर है और बहुत ही प्यारी जगह पर है। जिस हाइट पर बन्नी माता है उस हाइट के आगे ये वाली हाइट कुछ भी नहीं है, पुल के नीचे जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह यहाँ पर। जब भी आप आएँ तो बन्नी माता ज़रूर जाएँ। जब भी भरमौर आप आएँगे तो बन्नी माता के दर्शन जो ज़रूर यहाँ से करके जाएँ। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये बन्नी माता के लिए गया है। ढगोक से बन्नी माता जो कम से कम 20 या 25 किलोमीटर दूर होगा। एग्जैक्ट मतलब मेरे को नहीं पता कितना दूर है। इस रोड पे ड्राइव करने के लिए दिल चाहिए, क्योंकि ये रोड जो पूरा सिंगल है, कच्चा है। और इस रोड की जो विड्थ है वो टाटा सुमो के विड्थ के बराबर है। मतलब जितनी टाटा सुमो चौड़ी है उतना ये रोड चौड़ा है। लेकिन इस रोड पर ड्राइव करने का जो मज़ा है ना, वो तो ड्राइव करने के बाद ही पता चलेगा आपको। ये दोनों गाड़ियाँ बन्नी माता से ही आ रही हैं। अगर आप अपनी कार यहाँ पे नहीं लेके जाना चाहते तो ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती हैं, तो आप यहाँ से इन पे जा सकते हैं। वेलकम टू तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ डिवीज़न चंबा। तो हम घड़ोक को जो है अलविदा करते हैं। अब हम चलते हैं खड़ा मुख की तरफ। रोड की कटिंग चल रही है, तो ये जो पुल देख रहे हैं हम यहाँ पर खड़े हुए थे अभी। खड़ा मुख से ये पहले टनल आती है और इस टनल की लंबाई है 450 मीटर। टनल में आगे जाके लेफ्ट साइड पे एक पावर स्टेशन है जिसका नाम है चमेरा 3 पावर स्टेशन। यहाँ पर जो है बिजली बनती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं जो है इस टनल से बाहर निकलने वाला हूँ। और टनल के बाहर निकलते ही एक रिवर है, उसका नाम है रावी। उस रिवर में एक बहुत बढ़िया मतलब बहुत एक सुंदर चीज़ नज़ारा जो आपको देखने को मिलेगा, वो है कलर पानी का। पहाड़ के बीच से जो पानी आ रहा है वो ग्रीन कलर का है, और जो सीधा पानी आ रहा है वो है ग्रे कलर का। बहुत ही सुंदर नज़ारा जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ आप यहाँ के जो रोड देखोगे ना, इतने खतरनाक है ना। ऊपर से आप कटिंग देख सकते हो रोड की कैसे हो रखी है। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं बाइक जो है एक हाथ से चला रहा हूँ और दूसरे हाथ से जो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो इसलिए पकड़ा है क्योंकि मेरा जो माउंट है वो टूट गया था। तो इसलिए मेरे को एक हाथ से बाइक चलाने पड़ रही है आप सबको ये सारा व्यूज़ दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबका प्यार मेरे साथ ऐसे बना रहेगा। अब हम जो है वो खड़ा मुख जो पहुँचने वाले हैं, वो आपको सामने एक ब्रिज दिख रहा होगा, ये है खड़ा मुख। फिर हम पहुंच चुके हैं खड़ा मुख। यहाँ पर भी आप पानी का कलर देख सकते हैं, वहाँ से जो वो ग्रीन पानी ही निकल रहा है। आप इस रोड को देख के आइडिया काट सकते हैं कि इस जगह का नाम जो खड़ा मुख क्यों पड़ा। काफ़ी हाइट पर ये जो है खड़ी चढ़ाई पर ये जो रोड है, यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल। यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। अगर एक बार गाड़ी ऊपर से नीचे गिर जाए तो आप खुद सोच लो क्या हालत होगी। ना गाड़ी बचेगी ना उसमें बैठे हुए बंदे बचेंगे। इसी रीज़न की वजह से खड़ा मुख जो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है एक्सीडेंट होते ही होते हैं। ये जो बस आप देख रहे हो ये भरमौर से आ रही है। ये भरमौर वाला रास्ता है, लेफ्ट मतलब पुल के लेफ्ट साइड भरमौर वाला रास्ता है, और पुल के जो राइट साइड से जो रास्ता गया वो गया होली को। अब हम जो भरमौर वाले रास्ते पे जाएंगे और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड का व्यू जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ।
मैं जो भरमौर वाले रास्ते पर चल पड़ा हूँ, तो थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, पुल के उस साइड खड़ा हुआ था, वहाँ से जो शूट कर रहा था मैं। अब यहाँ से आप देखो कैसा दिखता है यहाँ का व्यू, काफ़ी जो मैं हाइट पर आ गया हूँ। इस रोड की हाइट की वजह से जो है काफ़ी फेमस है खड़ामुख, और नाम भी इसलिए पड़ा खड़ामुख क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। आप खुद सोचो यहाँ से अगर गाड़ी गिरेगी तो उसका क्या हालत होगी गाड़ी की। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, बाइक मैं एक हाथ से चला रहा हूं और एक हाथ में मेरा कैमरा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो भाइयों आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आप जब भी भरमौर साइड आते हैं या फिर कहीं ऐसे रोड पे जाते हैं तो प्लीज़ आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, गाड़ी या बाइक जिस पर भी आप होंगे साइड में खड़ी करके जो है आराम से व्यूज़ देख लो। ये ना कि चलते चलते आप ड्राइव करते करते जो इधर उधर आपका ध्यान चल जाए व्यूज़ देखने के चक्कर में, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये देखो दोस्तों हिमाचल की लैम्बोर्गिनी, अगर ये हिमाचल में नहीं होती तो हम हिमाचलियों का क्या होता। जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम इस गाड़ी में घूमते थे हिमाचल, अभी भी इस गाड़ी का बहुत यूज़ होता है।